हेलो गाइस, मैं आपका डीजे प्रीतम। और जैसा कि आज हम दिखाने वाले हैं कि जो मेरा एलेक्सा 4500 प्रॉब्लम कर गया था, फॉल्ट हो गया था, टैम और प्रोटेक्ट मार रहा था, वो आज बन के आ गया आउजा डीलर के पास से, सर्विस सेंटर से। तो अभी सुबह चेक कर रहा हूँ, रात भर बन रहने के बाद सुबह चेक कर रहा हूँ, कोई टैम और प्रोटेक्ट नहीं मार रहा है। तो एम्पलीफायर सही से बन गया है और आउजा ने बिल्कुल ही हमको फ्री बना के दिया है, कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा नहीं लिया है, जो कि विवेक यादव जी ने बहुत हेल्प किए है आउजा की तरफ से, और हमारे सूरज भाई वो भी हेल्प किए है हमको। तो अभी हम ये दो टॉप जेबीएल का, जो कि 400-400 वाट का स्पीकर लगा हुआ है ATI प्रो का, और ये एलेक्सा एक साइड से बजा रहा हूँ, बी चैनल से बहुत ही अच्छा बज रहा है, कोई टैम और प्रोटेक्ट नहीं मार रहा है। तो चलिए साउंड चेक करते हैं। तो इस तो एम्पलीफायर ऑन हो गया है और लैपटॉप भी चालू कर दिए हैं, वॉल्यूम को जिस तरह रखे है, एक साइड चल रहा है, मोनो में घुसा है पीछे, और आपका मिक्सचर का वॉल्यूम ये देखिए, और प्ले करते हैं। टाइमिंग देख लीजिए, सुबह के 7। स्पीकर को बाहर करेंगे क्योंकि ज़्यादा साउंड देने से सुबह सुबह आदमी लोग पागल हो जाएगा। तो स्पीकर को बाहर निकालते हैं और ऐसे ही इंडिकेटर में देखेंगे, तो अभी ऐसे ही देखेंगे, क्लिपिंग उठा के देखेंगे, ये देखिए प्रोटेक्ट और टैम नहीं मार रहा है, क्लिपिंग में बज रहा है एम्पलीफायर। ये देखिए कोई भी टैम और प्रोटेक्ट नहीं, एम्पलीफायर सही से बन गया है। और नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दे, ताकि आप जब भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए, और लाइक ज़रूर करें। चलिए, बाय बाय।